हेलो जी एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग। इट्स डे 4 ऑफ ट्रिप एंड अभी हम निकल रहे हैं सिक्किम से और अब जा रहे हैं बंगाल। सिक्किम का हमारा स्टे खत्म हो गया है। गैंगटॉक में हम 3 नाइट थे एंड वी एंजॉयड अ लॉट। वी विजिटेड मल्टीपल साइट्स हियर, यू कैन चेक आउट द वीडियोस। एंड अब हम जा रहे हैं दार्जिलिंग, यहाँ पे हमारा 2 नाइट स्टे होने वाला है। बाकी का इन्फॉर्मेशन आपको दार्जिलिंग पहुँच के देंगे एंड लेट्स एंजॉय द व्यूज एंड व्हाट वी सी इन द बिटवीन द जर्नी। Let's go. A new place, a new home. For a while, let me feel alive. Nothing to hold me back. Take my time, just enjoy the ride. So guys, गैंगटॉक से लेकर दार्जिलिंग का जो सफर है, that is approximately 100 kilometers. और अभी हम आधा सफ़र ऑलमोस्ट तय कर चुके हैं। 40 kilometers वी हैव ट्रैवल्ड एंड वी हैव स्टॉप्ड एट अ प्लेस टू हैव सम रेस्ट एंड हैव सम स्नैक्स एंड टी एंड कॉफ़ी। सो दिस इज़ होटल फाल्गुनी। सो वी गोना हैव सम स्नैक्स हियर एंड देन गोना लीव फॉर दार्जिलिंग। तो जैसा मेरे पीछे देख सकते हैं, यहाँ से व्यू बहुत सही है इस रेस्टोरेंट से। ये आपने मेरे पिछली ब्लॉग में भी देखा होगा जो दिल्ली टू गैंगटॉक की थी, तो आपने उसमें भी ये देखा होगा। दिस इज़ लाइक अ प्लेस दैट लाइक एवरीवन स्टॉप्स हियर टू हैव सम स्नैक्स एंड एंजॉय द व्यू। सो यू कैन डू टू वे इफ़ यू आर कमिंग एट दिस पॉइंट। यहाँ पे व्यू के अलावा रैबिट्स भी हैं बहुत सुंदर, क्योंकि बच्चे काफ़ी इंजॉय करते हैं। बाकी हम चलते हैं, लेट्स कंटिन्यू टूवर्ड्स दार्जिलिंग नाउ। Passing by, life is good, best I've ever felt. Get me up, somewhere new, somewhere I can find myself. Oh, I feel so alive. As I reach out to the sky. तो लगभग 3.5-4 घंटे के सफ़र के बाद फाइनली वी हैव रीच दार्जिलिंग नाउ एंड वी जस्ट गोना चेक इन टू आवर होटल नाउ। होटल मॉल रोड से थोड़ा सा अंदर की तरफ है हमारा, थोड़ा सा चढ़ाई चढ़ के हमें आना पड़ रहा, बाकी ज़्यादा दूर नहीं है लकीली। सो दिस इज़ आवर होटल, यू कैन सी वंडरवुड्स। लेट्स चेक इन नाउ। सो गाइस, दिस इज़ आवर रूम 205, लेट्स गेट इन नाउ। So that's our room, quite spacious. It has 2 double beds here and a TV, nice lighting with a nice wallpaper. Now we will go to Mall Road, which is just 2 minutes walk from here, and we'll see what we're gonna eat or what we're gonna shop. We'll see you there now. पर Mall Road पे जाने से पहले हम गए Subway, क्योंकि lunch का time हो चुका था और हमें लगी थी बहुत तेज भूख। After having subwich at the subway, then we headed to Mall Road to take a stroll, do some shopping and basically enjoy the evening. So guys, Barfi movie mein jo clock tower use hua tha, wo yahi clock tower hai jahan pe Ranbir Kapoor chadh ke clock take kar raha tha. Aur theek samne is ped ke us taraf ye hai wo restaurant jahan se Leonardo DiCaprio ne Ranbir Kapoor ko dekha tha. मॉल रोड पे आए तो आप भुट्टा यहाँ पे खा सकते हैं। ज़बरदस्त बारिश के मौसम में भुट्टा खाने में मज़ा ही लगा। और बाकी मोमोज की काफ़ी सारी शॉप आपको यहाँ पे मिलेंगी एंड आगे बहुत सारी क्लोथ्स की शॉप है। क्या ले रहे हो भाभी जी? शॉल। शॉल क्या प्राइस है शॉल का? 600 बोल रहे हैं। 400 में आ गई, 400 में आ गई है बात करके। दिखाना शॉल एक बार। सो ये यहाँ पे 400 की शॉल है। सो इस मार्केट में आपको कुछ भी लेना हो तो बार्गेनिंग जरूर करिए, क्योंकि यहाँ पे हमें 700 की शॉल 400 में मिली है। सो शॉल की शॉपिंग करने के बाद अब टाइम हो गया चाय की शॉपिंग करने का, तो हम कुछ मल्टीपल शॉप्स विजिट करने वाले हैं। सबसे पहले हम जा रहे हैं गोल्डन टिप्स के अंदर, जो कि यहाँ पे बहुत फेमस है। लेट्स चेक इट आउट। क्या क्या चाय अवेलेबल है आपके पास?
और इनके प्राइस क्या क्या रहेंगे? सब अलग अलग है, जैसे दार्जिलिंग एंड असम दोनों मिक्स है। अच्छा, तो ब्लेंड होते हैं जो हम लोग इंडियन जैसे बनाते हैं, पानी को शक्कर मिला के उबाल के जो हम नॉर्मल चाय पीते हैं वो। और ब्लैक टी का क्या बताया? ब्लैक टी में आपका जैसे आपको समर का जो चाय है स्टार्टिंग है 250 ग्राम का 225। ओके, एंड स्प्रिंग का जो स्टार्टिंग है 100 ग्राम का 350। और दार्जिलिंग का स्पेशल टी कौन सा है? ब्लैक टी है। ब्लैक टी है। मॉल रोड पे स्नैक्स की कोई कमी नहीं है, आप मल्टीपल स्नैक्स यहाँ पे खा सकते हैं, स्पेशली मोमोज, डोनट्स। तो नेक्स्ट हम आ चुके हैं द टी शॉप में, लेट्स चेक आउट द प्राइसेस हियर। तो भैया बताना आपके पास कौन कौन सी टीज अवेलेबल है और क्या क्या प्राइस है उनके? हमारे पास ग्रीन टी है, ब्लैक टी है, वाइट टी है। और क्या क्या प्राइजेज है उनके? प्राइजेज है ग्रीन टी में 139 ग्राम से शुरू होता है। अच्छा, और कौन सा ग्रीन टी? एपीएल ग्रीन टी बनाया है, ये प्रीमियम क्वालिटी है। स्पेशल ग्रीन टी जैस्मिन जिंजर। दार्जिलिंग की स्पेशल टी कौन सी होती है? स्पेशल तो आपका फर्स्ट प्लस रहता है, वो ब्लैक टी होता है, उसमें फ्लेवर अच्छा रहता है। अच्छा, और उसका प्राइस? उसका प्राइस जो शुरू होता है 139 ग्राम से शुरू होता है। ओके, दिखा सकते हैं एक बार? ये 139 ग्राम का है, ये 249 है, 349 है। ओके, ये सारा फर्स्ट फ्लश है? हाँ जी, ये सब फर्स्ट फ्लश है। ये और ये अच्छा सेकंड फ्लश भी आता है इसमें? प्लस में है ना, सेकंड फ्लश थोड़ा स्ट्रॉन्ग होता है, उसमें आप मिल्क चाहे तो मिल्क यूज कर सकते हैं उसमें। ओके, तो सीजन वाइज क्या क्या प्लकिंग होती है, आप बताओगे कौन से सीजन में कौन सा प्लकिंग होता है? ये आपका मार्च में आपका फर्स्ट प्लस हार्वेस्ट होता है, दूसरा मई जून में आपका सेकंड प्लस, जो टाटा बनाता है वो हाफ क्रिक होता है, पूरा मशीन में से दाना टी बनाता है, आसाम वाला वो अलग है। हाँ जी, तो अलग है, ये दार्जिलिंग का टी अलग है, दार्जिलिंग का अलग होता है, आसाम का अलग अलग होता है। आपके पास वो भी है क्या, कार्डिमम मिक्स टाइप आपका? हाँ, ये कैसा है, कैसा 100 ग्राम आएगा? Last but not the least, we spent rest of our evening by wandering at the Chaurasta Square. आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज हिट द लाइक बटन, कमेंट इन द सेक्शन बिलो व्हाट यू फील अबाउट द वीडियो, एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल दैट इज रडकाट राणा। कीप वॉचिंग, कीप ट्रैवलिंग, स्टे सेफ।